स्वीट डिश वाला किसे पसंद नहीं होती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी। हिमाचल प्रदेश में विवाह शादियों में इस स्वीट डिश को बनाया जाता है और बदाने के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन जो बूढ़े नौजवान होते हैं वो भी बड़े चाव से इसे खाते हैं। तो आओ देखते हैं क्या है पूरी रेसिपी। दोस्तों तो 5 किलो हमारी मीठी बूंदी है, बदाना जिसे कहा जाता है, 5 लीटर इसमें हमने पानी लिया है। थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम का पाउडर डालेंगे हम। आपने पानी को हीट करना है दोस्तों, और साथ में खोए का प्रयोग करना है। खोए से बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। खोए की जगह आप देसी घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप खोए का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बेहतर टेस्ट आएगा। थोड़ी सी मीठी सौंफ इसमें डालें, और फूड कलर जो होता है उसका प्रयोग हमने यहाँ पर करना है। फूड कलर आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन आप मीठी बूंदी बना रहे हैं तो फूड कलर थोड़ा बहुत आपको डालना पड़ेगा। साथ में डालेंगे हम शुगर। 5 किलो हमारी बूंदी है तो इसमें हम 10 किलो चीनी डालेंगे दोस्तों, जो शुगर होती है। फिर स्टर करना है। शुगर को हमने चाशनी में बदलना है, इसे हिमाचल प्रदेश में इसे चाशनी कहा जाता है। बीच बीच में आपने शुगर का प्रयोग करना है, एक साथ आपने शुगर नहीं डालनी है। 10 kg जो शुगर मैं बता रहा हूँ उसे बीच बीच में आपने डालना है। फिर स्टर करते जाना है और हीट करना है आपने वाटर को, जो वाटर हमने एक पैन में लिया हुआ है, तो इसको स्टर आपने बीच बीच में करते रहना है ताकि हमारी जो शुगर है वो जल्दी गल जाए और चाशनी में परिवर्तित हो जाए दोस्तों। तो स्टर करते रहना है आपने लगातार, बीच बीच में आप स्टर करें। जब आपका वाटर हीट हो जाए और स्मोक छोड़ने लगे और थिक हो जाए थोड़ा बहुत, तो उसके बाद फिर हम करेंगे बूंदी का प्रयोग। तब तक आपने कुकी से करते रहना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम डाल देंगे बूंदी को, 5 किलो है बदाना इसे कहा जाता है दोस्तों, इसको डाल दें और फिर स्टर करना है आपने। ये देख सकते हैं आप, बहुत बेहतर बूंदी है जिसे बदाना भी कहा जाता है। अब स्टर करना है आपने इसको, बदाने को अच्छी तरह से पानी में मिलाना है, जो शुगर का वाटर है। तो स्टर करते रहें, हल्के हाथों से आपने इसे बिल्कुल स्टर करना है और 10 से 15 मिनट इसको कुक करना है दोस्तों आपने। बहुत ही स्वादिष्ट डिश होती है स्वीट डिश, तो सभी को पसंद होती है, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो। हिमाचल प्रदेश में विवाह शादियां या कोई भी फंक्शन हो तो इस डिश को जरूर बनाया जाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं दोस्तों। अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रे में भी आप इस स्वीट डिश को बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतर और लजीज डिश है और बहुत ही इजी स्टेपों से मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसे बनाने का, बिल्कुल इजी मेथड से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप मीठी बूंदी की डिश अपने घर में तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस स्वादिष्ट डिश को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपने तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थिक हो गया है, इसका वाटर बिल्कुल सोख गया है। तो यहाँ पर कोकोनट का जो चूरा होता है वो आपने डालना है, इसे बहुत बेहतर फ्लेवर आता है। थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, 1 kg के करीब इसमें हम कोकोनट का जो चूरा होता है उसे डालेंगे दोस्तों, बीच बीच में डालना है। फिर आपने स्टर करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है इसे, और बीच बीच में आपने इसे स्टर करते जाना है। और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट लजीज आइटम अब बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। इसे आप जब गैस से उतार देंगे तो ये अपने आप थिक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक हो गया है हमारा बदाना स्वीट डिश। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ में बेल आइकॉन के साथ ऑल को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जो नई रेसिपी होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके